नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। आज लगातार जब हम देख रहे हैं कि जो रैशनलिस्ट हैं, सेक्युलरिस्ट हैं, डेमोक्रेटिक वॉइसेस हैं, उन पे हमले हो रहे हैं। इसकी शुरुआत अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के साथ हुई थी। उसके बाद एक सिलसिला सा चल पड़ा, कॉमरेड पानसरे और फिर प्रोफेसर कलबुर्गी। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और हमारे बीच मेघा पानसरे जी, डॉक्टर हामिद और अविनाश जी मौजूद हैं। न्यूज़ क्लिक में आप सभी का स्वागत है। आपका एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की आप शुरुआत कर रहे हैं, ये जो 3 हत्याएं हुई हैं उसको लेके लगातार आप सवाल उठाते रहे हैं सरकार की एजेंसियों पे कि आखिर क्या कारण रहा है कि सबूत सामने आने के बावजूद भी ये जो प्रक्रिया है न्यायिक, ये इतनी धीमी गति पे चल रही है। दिल्ली में हम जंतर मंतर पे जो धरना करने जा रहे हैं उसकी एक कैंपेन की शुरुआत है, देशव्यापी कैंपेन के। उसे हमने हिंसा के खिलाफ मानवता की ओर राष्ट्रीय प्रबोधन अभियान ऐसा अपील उसका किया है और उसमें 20 जुलाई से 20 अगस्त तक दिल्ली से उसके शुरुआत करके महाराष्ट्र और सभी कई राज्यों में जो जो हमारे लाइक माइंडेड समूहविचारी पक्ष, पार्टीज़ और ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएं के लोग हैं, उनको साथ लेके ये राष्ट्रीय प्रबोधन अभियान चलाने की कोशिश हम करने जा रहे हैं। और उसकी शुरुआत कल जंतर मंतर पे एक राष्ट्रीय धरना आयोजित करके हम करेंगे, जिसमें 30-35 संगठन संस्था के लोग शामिल होने जा रहे हैं और उनके द्वारा जो मांगे हम करने जा रहे हैं कि जिसमें डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, कॉमरेड गोविंद राव पानसरे और प्रोफेसर डॉक्टर एम एन कलबुर्गी जी की हत्या के बारे में जो तथ्य सामने आए हैं वो उसके बारे में राजकीय इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल दिखाने के लिए केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकारों की तरफ से पहल होनी चाहिए। दूसरी बात है, इसमें जो सस्पेक्टेड एजेंसीज है और उसके साधक है, जैसे सनातन भारतीय संस्था और हिंदू जन जागरण समिति के साधक समीर गायकवाड़ और डॉक्टर वीरेंद्र सिंह तावड़े को अरेस्ट हुआ है, तो इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए और उनकी जो कार्रवाइयाँ अध्यात्म और धर्म के नाम पे जो दहशत फैलाना, धार्मिक लोगों को गुमराह करना, हिंसा के लिए प्रवृत्त करना और कई उनकी जो बातें, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मांग है। अच्छा, ये आपने ये जो राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात की जी, लगातार ऐसा देखने में आया है, न्यूज़पेपर्स में भी रिपोर्ट हुआ है कि जो ये 2 संगठन हैं, इनमें जो मौजूदा सत्तारूढ़ पार्टी है, चाहे महाराष्ट्र हो या जो केंद्र में भाजपा की पार्टी है, वो उनके सदस्यों का लगातार इन दलों में भी हस्तक्षेप रहा है, वो लगातार उनके मंचों पे आते जाते रहे हैं। तो क्या ये भी एक कारण है कि ये जो पूरी न्यायिक प्रक्रिया है ये धीमे हो गई है? ऐसे कहने के लिए कुछ हद तक जगह है और उसका एक अनुभव और प्रत्यक्ष स्थिति भी है, ऐसे कहा जा सकता है, क्योंकि सनातन भारतीय संस्था और हिंदू जन जागरण समिति के साधकों का नाम जब से इसमें आ रहा है, उसके पहले से कई सालों से, पिछले 15-20 सालों से उनकी जो कार्रवाइयाँ महाराष्ट्र में और अलग अलग राज्यों में हो रही है, तो उनको सपोर्ट करने की, लोकल लेवल पर रिसोर्सेज देने की बातें वहाँ पर हुई है, जो आज रूलिंग में जो लोग हैं उनके। तो हम यही सवाल खड़े कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि इसके बारे में आप जवाब दीजिए, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी और सेंट्रल की। आप अगर कहते हैं कि डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के द्वारा और सिस्टम के द्वारा आप यहाँ पर रूलिंग में आए हुए हैं, तो आपको ये मानना चाहिए और कहना चाहिए कि ऐसी जो भी शक्तियाँ काम कर रही है तो आप उनको सपोर्ट करने जा रहे हैं या फिर उनके खिलाफ है और उनके ऊपर कुछ एक्शन ले लें। अब ये कॉमरेड पानसरे की अगर हत्या हम देखें और उसके पहले दाभोलकर की और फिर प्रोफेसर कलबुर्गी की, तो इनका जो मोडस ऑपरेंडी है ये एक ही तरह का है, एक ही तरीके की हत्याएं और लगातार वो ऐसी शक्तियों पे सवाल उठाते रहे हैं जो दक्षिण पंथ की तरफ ज़्यादा आकर्षित हैं। तो अगर हम मौजूदा समय को देखें और कॉमरेड पानसरे के विचारों को देखें तो वो किस तरफ जाता नजर आ रहा है आपको? कॉमरेड पानसरे का पूरा काम और उनका जो उन्होंने लिखा है, किताबें लिखी है, उन्होंने भाषण दिए हैं, उन सब में 2 सूत्र हमको नज़र आते हैं। एक है उनका रैशनलिज्म और दूसरी बात है कि धर्म के नाम पे लोगों को जो गुमराह किया जाता है उस पर काम करना। तो धर्म चिकित्सा हम लोग कह सकते हैं वो इन तीनों लोगों जो डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, पानसरे और कलबुर्गी, ये तीनों लोगों के काम में ये एक सूत्र है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दक्षिणपंथी लोग हैं उनको यह जचता नहीं था। कोल्हापुर में हम लोग रहे हैं, लेकिन कॉमरेड पानसरे का काम पूरे महाराष्ट्र में वो ट्रैवल करते थे और बहुत सारी जगह में जाके भाषण देते थे। उन्होंने हमेशा ये कोशिश की कि लोगों ने जो धार्मिक लोग हैं उनकी अपनी श्रद्धा एक जगह है, लेकिन धर्म के नाम पर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, धर्म के नाम पर दूसरे धर्मों के प्रति विद्वेष फैलाया जा रहा है, उसको विरोध करना चाहिए। तो उन्होंने हमेशा इस एंगल से एक बात अपनी रखी थी और बहुत बार ऐसा हुआ कि उनको विरोध भी हुआ। कोल्हापुर में बहुत सारे प्रोग्राम्स में हिंदुत्ववादी शक्तियों ने उनका विरोध किया था, बहुत बार ये बातें सामने आई है। और मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो काम है उनका भाषण और उनका जो लिख रहे थे वो आर्टिकल्स हो या किताबें हो, जैसे शिवाजी कौन था इससे शुरुआत हो गई, तो मुझे लगता है कि उसका लोगों पर जो असर होता था और जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता था वो उनको जचता नहीं था। इसीलिए मुझे लगता है ये लोग हिंसा पर उतर आए। जैसा कि कॉमेंट मेघा ने कहा कि धर्म को अंधविश्वास से एक अलग रखने की लड़ाई जो लगातार जारी रही है और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जो है वो लगातार इसके लिए संघर्ष रख रही है, तो आप अपने काम के बारे में थोड़ा बताइए और डॉक्टर दाभोलकर इसको किस तरीके से समाज में ले जा रहे थे कि उनके ऊपर ऐसा हमला हुआ। ऑलमोस्ट 25 साल से अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति महाराष्ट्र में काम करती आई है। और एक बात मैं पहले ही बताना चाहूँगा कि जो पब्लिक सेंटिमेंट फैलाया गया है कि धर्म और देव के खिलाफ, गॉड के खिलाफ लोग हैं, वैसा अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का ऑफिशियल स्टांस नहीं है। हमारा जो स्टांस है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हर एक आदमी को धर्म अपना गॉड मानने की मोहलत देती है, लेकिन जहाँ शोषण का, एक्सप्लॉयटेशन का मुद्दा आता है वहाँ हम उसके खिलाफ खड़े रहते हैं। और ये कैंपेन जो है 4 सूत्रों को लेके खड़ा हुआ है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का। उसमें पहला है जो शोषण करने वाले अंधविश्वास है उनको विरोध करना, और उसके बारे में ही ये जो एंटी ब्लैक मैजिक एक्ट की मूवमेंट थी वो 18 साल स्ट्रगल चला और उसके बाद डॉक्टर साहब के कत्ल के बाद वो एक्ट पास हो गया। दूसरी बात है सिर्फ ये करके सफिशिएंट नहीं है, लोगों में साइंटिफिक टेम्परामेंट फैलाना, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ड्यूटी बोली है हर एक इंडियन सिटीजन की, उसके बारे में भी हम बहुत सारा काम करते हैं। तीसरा जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा है वो धर्म की विधायक और कृतिशील चिकित्सा, तो ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है और एक्टिव क्रिटिसिज्म है। तो इस हिसाब से बहुत सारे कैंपेन अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने महाराष्ट्र में चलाए, जैसे कि जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं उनको एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली रूप दिया जाए, जैसे गणेश आइडॉल्स हमारे यहाँ इमर्शन का इशू है, क्रैकर फ्री दिवाली है, होली में पकवान दान करने की बात है, ये तीसरी बात है। और समविचारी जो संगठन है उनके साथ काम करना, तो इससे एक ताकत जैसे बन गई थी महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की। और जो लोगों को सवाल खड़े करने की शिक्षा देते हैं वो मुझे लगता है हमेशा, जिनको अंधेरा कायम रहे ऐसी जिनकी इच्छा है उनके लिए वो डेंजरस रहते हैं। ऐसा भी बोला जाता है कि विचारों का सामर्थ्य उनके प्रचारकों को जितना मालूम नहीं है उतना उनके विरोधकों को मालूम होता है। तो जो अच्छे विचार और प्रश्न पैदा करने की संस्कृति समाज में डॉक्टर दाभोलकर, कॉमरेड पानसरे, प्रोफेसर कलबुर्गी निर्माण करना चाहते थे, उसका ताल्लुक उनके मर्डर से, उनके काम का ताल्लुक उसके मर्डर से मुझे लगता है इस तरीके से जुड़ सकता है। ये आपने कानून की बात की, विधेयक की, क्या इसको इसके पारित होने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई ऐसे कदम उठाए गए हैं कि हाँ वो वाकई ऐसे अंधविश्वासों को दूर करने के लिए वाकई जागरूक लगते हैं, या एक नाम मात्र के लिए कानून पारित कर दिया गया है पर उसका कोई फॉलोअप नहीं है। एक तो बात है कि ये कानून जब हुआ था तभी हमारा सब लोगों का ये मानना था कि ये सिर्फ सरकार का कानून नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन के डिमांड 18 साल के डिमांड के बाद आया हुआ कानून है। और मैं आपको शायद आश्चर्य लगेगा कि 250 से भी ज़्यादा सेल्फ प्रोक्लेम गॉडमैन इस कानून के तहत उन पे FIR रजिस्टर हुई है, अरेस्ट हुए हैं। और ये आप सब जान सकते हैं कि जब एक ऐसा बाबा या बुआ पकड़ा जाता है तो वो कई हज़ार लोगों का, कभी बार तो उससे भी ज़्यादा लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करता है। बाकी के राज्यों में ये एक्ट होने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अविनाश जी, ये जो डॉक्टर हामिद ने बताया कि ये आपका ये जो कैंपेन है ये अलग अलग स्टेट्स में आपकी क्या डिमांड है? जैसे कर्नाटका की बात की या मणिपुर की बात की, यहाँ पे आपकी डिमांड्स क्या है? जी, हम तो जब दिसंबर 2013 में नागपुर असेंबली सेशन में महाराष्ट्र के जो ये एंटी सुपरस्टिशन के बारे में, ब्लैक मैजिक के बारे में जो कानून पारित हुआ, जिसे महाराष्ट्र में जादू टोना विरोधी कानून नाम से पहचाना जाता है, तो उसी तरीके का कानून बाकी कुछ राज्यों में हम बनाएंगे ऐसा खुद करके 4-5 राज्यों के वहाँ के स्टेट होल्डर जो है उन्होंने कहा था। जैसे कर्नाटक के आज के और उस समय के CM जो है सिद्धरामय्य जी, उन्होंने खुद करके स्टेटमेंट दिया था कि हम कर्नाटक में ऐसा कानून बनाना चाहते हैं। और कुछ बाकी राज्यों में हमारे जो लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से भी ये डिमांड हो रही है। और नेशनल लेवल पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने इसकी डिमांड दी थी, पर्ची दी थी उस समय, उसके बाद कि आप इसके बारे में सोचिए कि हमारे देश में धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे, आध्यात्मिकता के दावे करके, चमत्कारों का दावा करके, अवतारों का दावा करके जो भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, अगर हम उसको रोक सके कानून के द्वारा, अवेयरनेस के द्वारा, एम्पावरमेंट के द्वारा, तो उससे बहुत बड़ी हमारी पैसे बचेंगे। लोगों का जो भाई गुमराह करने से जो भी ताकत जाया जाती है वो हमें डेवलपमेंट में, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट में लगा सकेंगे। इसमें आज तक कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत ही काम अच्छा किया है और उसमें हमें आशा है कि वहाँ पर ये कानून पारित हो। अभी जो 4 जुलाई से कर्नाटक असेंबली सेशन शुरू हुआ उसमें उन्होंने बिल, एक ड्राफ्ट कैबिनेट ने पारित किया है और वो चर्चा के लिए वहाँ पर विधायकों को दिया हुआ है। इस तरीके से बाकी कई राज्यों में, जैसे मध्य प्रदेश है, गोवा है, गुजरात है, केरला है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, इन राज्यों में भी ऐसी मांगे हुई है। तो हम इसके लिए एडवोकेसी का काम कर रहे हैं महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की, वहाँ के लोगों को जाके ताकत देना, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर अवेयरनेस के लिए कुछ प्रयास करना एक हमारी कोशिश है। और इसी तरीके के दूसरा भी जो कानून हमने अभी पिछले फिलहाल 14 अप्रैल के पहले दिन, यानी शाम 13 अप्रैल के शाम को जो पारित हुआ महाराष्ट्र में, जो सोशल बायकॉट के खिलाफ काम करने वाला भारत के देश का पहला कानून है जो, तो वो भी कानून अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उसकी मान्यता के लिए गया हुआ है। प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन करेंगे तो फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगी, जिसके लिए हमने पिछले 3 सालों में महाराष्ट्र में जात पंचायती के खिलाफ, जो कि पैरेलल जुडिशियरी करके काम करती है, उसके लिए उसके खिलाफ एक कैंपेन की। मेरे लिए वापस आना चाहूँगा मैं इस पर कि अगर हम इसमें विश्व में देखें, एक रेडिकल इस्लाम टेररिज्म जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म उसको बोलना ज़्यादा उचित रहेगा। भारत में भी अगर जहाँ तक इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म की बात आती है तो सत्तारूढ़ पार्टियाँ हो या आम जनमानस हो, बहुत तेज़ी से उसकी निंदा करने के लिए आ जाते हैं आगे। पर जब हिंदुत्व आतंक की बात होती है तो उसको कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है। लोग कहते हैं, बड़े बड़े मंत्री तक कह रहे हैं कि हिंदुत्व टेरर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। पर अगर इन तीनों केसों को देखा जाए और जो इस संगठन सामने आए हैं, चाहे मालेगांव हो या समझौता हो, आखिर ऐसे ही संगठनों का चेहरा हमारे सामने आ रहा है। एक तरह तो हमारा भारत एक डेमोक्रेटिक देश है, लोकशाही प्रधान देश है, और ये डेमोक्रेसी हम लोग अपनी निजी ज़िंदगी में, सामाजिक ज़िंदगी में हम लोग अप्लाई करते हैं। यहाँ होता क्या है, एक कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि जिस डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये हिंदुत्ववादी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं वो उसका पूरा बेनिफिट तो लेते हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का और उससे जो फ्रीडम मिलता है उसका एक बेनिफिट तो लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि ये लोग इसी देश में, इसी डेमोक्रेटिक देश में, इसी सेक्युलर देश में जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ये इस तरह के फ्रीडम्स देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, उसी में इन्हीं तत्वों के विरोध में बोलते हैं। जैसे कि ये लोग चाहते हैं कि एक हिंदुत्ववादी राष्ट्र बने, एक हिंदुओं का राष्ट्र बने। और हिंदू जन जागरण समिति का अगर वेबसाइट आप देखें तो उसमें क्लियर कट लिखा है कि हिंदू राष्ट्र बनाने में के लिए समर्पित, इस टाइप की भाषा वो बोलते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुसंख्यकवाद जो है कि मेजॉरिटी है हिंदू लोग, तो मेजॉरिटी लोगों का धर्म यहाँ लाना चाहिए। और दूसरे धर्म के जो लोग हैं, हम लोग अगर भारत का इतिहास देखते हैं तो हमको ये स्पष्ट रूप से हम लोग मान सकते हैं कि भारत के आज़ादी के लिए मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू और दूसरे बहुत सारे धर्म और पंथों के लोगों ने अपनी जान दी है, अपनी एक कंट्रीब्यूशन दी है। इसी के बावजूद ये लोग चाहते हैं कि एक सेक्युलर देश होने के बजाय एक हिंदुत्ववादी, एक हिंदुओं का देश बने। और मुझे लगता है ये पूरा एक कॉन्ट्रडिक्शन है और ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी के बेनिफिट्स लेके उसके विरोध में काम कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरी तरफ हम लोग ये देखते हैं कि एक तरफ अगर ये अपना विचार फैलाने के लिए या लोगों तक ले जाने के लिए अगर एक इसी डेमोक्रेटिक वे का उपयोग करते तो अलग बात है, लेकिन जब ये हिंसा पर उतर आते हैं तब ये अलग चीज़ हो जाती है। डॉक्टर हामिद, ये आखिरी सवाल होगा मेरा कि अगर अभी हम 2 दिन पहले देखें तो गुजरात में 4 दलितों को इस तरीके गाय के चमड़ी निकालने के लिए इस तरीके से पीटा गया, दादरी में जो हुआ वो हमारे सामने है, लातेहार में जो हुआ, तो एक कठिन समय नज़र आ रहा है। आगे का रास्ता क्या है हमारे लिए? ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, मुझे लगता है कि हमारे डेमोक्रेसी के लिए एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं। और मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी का बैशिंग करके, उनको पॉइंट आउट करके शायद हमें सॉल्यूशन नहीं मिल पाएंगे। मुझे लगता है कि हमने थोड़ा इनवर्ड भी देखना चाहिए इसके बारे में। ऑब्वियस है कि एक आइडियोलॉजिकल प्रोपागेंडा हो रहा है कंट्री में और उसका अपोजिशन करना ज़रूरी है, लेकिन उसी समय ये भी सच है पॉलिटिकल लेवल पे देखा जाए जो विपक्ष में बैठे हैं, कांग्रेस जैसे पक्ष है 50-60 साल जो सत्ता में थे, उनका भी सेक्युलरिज्म के प्रति जो रवैया है वो बहुत ही क्वेश्चनेबल है, जिनके काम से एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म आया है। हमारे लेफ्ट फोर्सेस है उनके बारे में हम देखा जाए तो शायद हम करंट इकोनॉमिक और कंट्री के एस्पिरेशंस ना देख पाने के हिसाब से थोड़े इरिलेवेंट से हो गए हैं। तो उसमें भी थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्शन करना ज़रूरी है कि क्यों मासेस से हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ा मुझे लगता है जो मिडिल क्लास इस कंट्री में कम्प्लीटली सेल्फ एब्सॉर्ब्ड मिडिल क्लास है, उन्होंने अपना सामाजिक उत्तरदायित्व मानना जब वो शुरुआत करेंगे तो मुझे लगता है कि एक सिंपल आंसर इसका नहीं हो सकता है। एक कठिन दौर से हम गुजर रहे हैं और वो एक्सीडेंटल नहीं है, ये प्रोसेस बहुत सालों से चलती आ रही है। तो मुझे लगता है अलग नई आइडिया ऑफ इंडिया जिसके लिए गांधी जी ने काम किया था, नेहरू ने काम किया था, पटेल ने काम किया था, अम्बेडकर जी ने काम किया था, उसके लिए काम करने के लिए खास करके युवा पीढ़ी को आगे आना बहुत ज़रूरी है। और जो भी काम करना है वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में हम करेंगे, ये निर्धार रखना बहुत ज़रूरी है, तो रास्ते मिलेंगे। देखा ये इसी पे अगर आप कुछ कहना चाहें कि जैसे अविनाश जी ने शुरू में कहा था कि ये केवल इन 3 लोगों का मुद्दा नहीं है, जब ये महिलाओं के आंदोलन का मुद्दा है, जाति के खिलाफ आंदोलन का मुद्दा है, जाति हिंसा के खिलाफ आंदोलन का मुद्दा है, तो इन आंदोलनों को एक साथ कैसे लाया जाए? एक चीज़ मुझे अभी समझ में आती है कि डॉक्टर दाभोलकर, पानसरे और कलबुर्गी की हत्या के बाद बहुत सारे स्तरों पर लोगों को ये समझ में आने लगा है कि एक साथ जुड़ के ही काम करना चाहिए, क्योंकि जो लोग आज सत्ता में आए हैं और वो इलेक्शन से चुन के सत्ता में आए हैं, तो ये इलेक्टोरल जो पॉलिटिक्स है उसमें भी अगर एक फोर्स बनना है तो ये सारे जो डेमोक्रेटिक और सेक्युलर फोर्सेस है सबको एक साथ आना चाहिए, ये आज समय की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि कॉम्रेड पानसरे हमेशा ये कहते थे कि एक तरफ आर्थिक शोषण के मुद्दे वो उठाते थे क्योंकि वो एक कामगारों के नेता थे, लीडर थे, और दूसरी तरफ एक सोशल एटमॉस्फेयर में लोगों को जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसके खिलाफ भी बोल रहे थे। कल्चरल लेवल पर लोगों का उत्थान हो इसके बारे में भी बात करते थे। तो मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सारे चैलेंजेस आज हमारे सामने हैं। जैसे हम लोग जब समाज का सोचने का स्तर अगर उन्नत हो इसके लिए कोशिश करना चाहते हैं तो ये एजुकेशन की तरफ जाता है, और प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन की अगर बात ले तो जो आम आदमी है उससे एजुकेशन से बहुत दूर जा रहा है। तो ये हर एक मुद्दा फिर एक पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक पॉलिसी से जुड़ता है और ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो मुझे लगता है कि अलग अलग स्तरों पर हो, लेकिन एक दिशा में अगर हम लोग काम करें, एक सोच से काम करें कि ये दोनों तरफ का हमला है, एक इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी है और कास्ट हो, जेंडर हो, इसके और धर्म के नाम पर भी एक्सप्लॉयटेशन है। ये सब फोर्सेस अगर हम लोग एक साथ जुड़ जाते हैं तभी कुछ कर पाते हैं। न्यूज़ क्लिक में समय देने के लिए धन्यवाद, और लगातार ऐसे मुद्दों पर हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद।